नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2023। दोस्तों, लाल पांडा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। लाल पांडा की संख्या बहुत कम होने की वजह से और इसके विलुप्त हो जाने के खतरे को लेकर उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, यह इस साल 2023 में 16 सितंबर को मनाया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। दोस्तों, निहार मालवे को पेंगुइन रैंडम हाउस का 27 सीईओ नियुक्त किया गया है। इस साहित्यिक दिग्गज के लिए एक नए युग की शुरुआत। पेंगुइन रैंडम हाउस साहित्यिक योगदान के समर्थन इतिहास का एक प्रसिद्ध वैश्विक प्रकाशन गृह है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। NBFC की सूची जारी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने NBFC के लिए स्केल आधारित विनिमय के तहत ऊपरी परत में NBFC की सूची जारी की है। दोस्तों, NBFC की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। ये वो कंपनियां होती हैं जो फाइनेंसिंग तौर पे एक बैंकिंग सेक्टर में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए फाइनेंसिंग हेल्प करती हैं। इनमें दोस्तों जैसे LIC, हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां शामिल होती हैं। इनकी अपर लेवल की सूची RBI ने जारी की है, जिसमें कुल 15 कंपनियां शामिल की गई हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर। P7HDS को सेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, यह P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का उपयोग 7 टन वजनी वर्ग के सैन्य भंडार जैसे कि वाहन, गोला बारूद, उपकरण के पैरा ड्रॉप के लिए किया जाता है। IL-7 विमान के लिए हैवी ड्रॉप सिस्टम में एक मंच और विशेष पैराशूट सिस्टम होता है, जो कि और यह प्रणाली 100% स्वदेशी संसाधनों के साथ सफलतापूर्वक विकसित की गई है। दोस्तों, इस तरह की पैराशूट प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होती है ऐसी जगह पर जहाँ पर हैवी व्हीकल्स पहुँच नहीं पाते हैं या जहाँ पर रोड के माध्यम से जाने का रास्ता नहीं होता है। ऐसी जगह में इन पैराशूट के माध्यम से हम हैवी व्हीकल को वहाँ पे आर्मी ड्रॉप कर सकती है, जिसका यूज़ फिर वहाँ के लोकल एरिया में किया जा सकता है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। स्वावलंबन 2023। भारतीय नौसेना 4 और 5 अक्टूबर 2023 को होने वाले नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। इस मेज़बानी में इसको स्वावलंबन 2023 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई 2022 में आयोजित संगोष्ठी के पहले संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्प्रिंट पहल के तहत स्टार्टअप और MSME की 75 चुनौतियों का शुभारंभ किया था। दोस्तों, ये 75 चुनौतियाँ स्पेशल तौर पर आत्मनिर्भर भारत और अमृत महोत्सव के तहत निर्धारित की गई थी। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। पुराने संसद भवन को मिला नया नाम। दोस्तों, आपको बता दें, संसद की कार्यवाही मंगलवार को नए संसद भवन में शुरू हो गई है और अब पुराने संसद भवन को एक नया नाम दे दिया गया है, क्योंकि अब से संसद की कोई भी कार्रवाई पुराने संसद भवन में नहीं की जाएगी। तो नया संसद भवन अब सुचारू रूप से वर्क करेगा और आने वाली सभी संसद स्तर का आयोजन नए संसद भवन में किया जाएगा। इसी के तहत पुराने संसद भवन को संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वो संसद भवन है जहां पर भारत का संविधान लिखा गया था और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने विस्तृत चर्चा करके इस संविधान को एक स्वरूप दिया था। उसी के चलते भारत सरकार ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम दिया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। डायमंड लीग 2023। दोस्तों, आपको बता दें, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने 83.80 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जबकि वाल्डेज ने 84.74
24 मीटर के प्रयास के साथ इस खिताब को जीत लिया है। वहीं वाल्डेज चेक रिपब्लिक के नागरिक हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। उड़ान भवन। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ई वॉलेट भुगतान विकल्प सुविधा का भी शुभारंभ किया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। होयसला मंदिर। दोस्तों होयसला मंदिर अब भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें इसी साल यूनेस्को ने शांति निकेतन को भी अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। दोस्तों यह होयसला मंदिरों की एक कंप्लीट सीरीज है, लेकिन उनमें से तीन मंदिरों को इसमें चुना गया है, जो है बेलूर, हेलेबिगुडु और सोमनाथपुरा का मंदिर। बेलूर की बात करें तो यह चेनाकेश मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। वही हेलेबिडु मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सोमनाथ मंदिर इन मंदिरों में से केशव मंदिर में सबसे एक छोटा होयसल मंदिर है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों मोटो जीपी के 13वें एडिशन और भारत की पहली मोटो जीपी का आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होने जा रहा है। वीकेंड में होने वाली ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत में 11 टीमों के कुल 22 राइडर्स हिस्सा लेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस मोटो जीपी के एडिशन को इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।